वासुदेवाय धीमह तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम विष्णुवे नमः नमस्कार भक्तों आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी और धनुर्मास की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य जन्म जन्मांतर से घोर प्रतीक्षा करता है इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था इसीलिए एकादशी के दिन ही गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है जिस कारण इसका महत्व कई अधिक गुना बढ़ जाता है इस दिन श्री कृष्ण तथा गीता का पूजन अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है इस पवित्र दिन में ब्राह्मण भोज तथा दान आदि कार्य करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है इस दिन भगवान श्री दामोदर की पूजा पूर्ण विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है इस धरती लोक पर हम सभी से जाने अनजाने कुछ पाप कर्म हो जाते हैं यदि आप इन पाप कर्मों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन आपको अवश्य करना चाहिए पदम पुराण के उत्तर खंड में एकादशी के व्रत के महत्व को पूर्ण रूप से बताया गया है मोक्षता एकादशी के व्रत का महत्व धनुर्मास के कारण और भी अधिक हो जाता है इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है इसीलिए एकादशी का व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य बताया गया है मोक्षदा एकादशी के महत्व का वर्णन भ्रम पुराण में भी मिलता है इस एकादशी को मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उनसे मुक्ति पाने का सर्वाधिक आवश्यक माना गया है उन समस्त पाप कर्मों को यह पाप नाशिनी एकादशी एक ही उपवास में भस्म कर देती है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त होता वह फल इस व्रत से प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर एकादशी व्रत रखता है उसे, उसे मोक्ष के साथ भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए मनुष्य के समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं तथा उसे मुक्ति प्राप्त होती है श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं कि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है मनुष्य यदि अपनी इच्छा से अनाज जूते चप्पल छाता कपड़े पशु या सोना का दान करता है तो इस व्रत का फल उसे पूर्णतः प्राप्त होता है जो व्यक्ति मोक्षता एकादशी का सच्ची सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा भाव से व्रत करता है उनके पितर नरक के दुखों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम अर्थात विष्णु लोक को चले जाते हैं और मनुष्य को सांसारिक जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है जो मनुष्य जीवन पर्यंत पूरी उम्र एकादशी का उपवास करता है वह मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाता है इसीलिए मोक्षता एकादशी व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान व दक्षिणा देनी चाहिए श्री कृष्ण जी बताते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जातकों मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कदापि नहीं होते हैं किंतु सीधे स्वर का मार्ग खुलता है जो मनुष्य मोक्षता एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य सुख समृद्धि संपत्ति उत्तम बुद्धि राज्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है विष्णु जी के भक्तों के लिए इस एकादशी का विशेष महत्व है जो मनुष्य मोक्षता एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है साथ ही व्रत के प्रभाव से मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ रहता है अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो उनके लिए संध्याकाल में एकाहार, एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने का भी विधान है एकादशी में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है तथा भारी दोष भी लगता है एकादशी महात्म्य को सुनने मात्र से सहस्त्र गोदानों का पुण्य फल प्राप्त होता है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक माना गया है इसीलिए एकादशी का दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक है मोक्षता एकादशी व्रत की कथा सुनने सुनाने तथा पढ़ने से सौ गायों के दान के तुल्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है इसीलिए मोक्षता एकादशी मुक्ति दायनी होने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए किसी भी प्रकार के द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए इस दिन विशेष रूप से जो व्रत रखते हैं उन्हें बुरे कर्म करने वाले पापी तथा दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए पर निंदा से बचना चाहिए तथा इस दिन कम से कम बोलना चाहिए जिससे मुख से कोई गलत बात ना निकल जाए इसीलिए यदि अनजाने जाने, कोई भूल हो जाए तो उसके लिए भगवान श्री हरि से क्षमा मांगते रहना चाहिए प्रत्येक एकादशी व्रत का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है व्रत की विधि बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एकादशी व्रतों के नियम का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है इसीलिए दशमी तिथि के दिन में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा में सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए एवं रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए दशमी के दिन चावल उर्द चना मूंग जौ तथा मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए अगले दिन अर्थात एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय पहले उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा घर को शुद्ध कर लेना चाहिए इसके बाद आसन पर बैठकर व्रत संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ आप मेरी रक्षा करें तथा मेरे समस्त पाप को क्षमा करें संकल्प लेने के पश्चात कलश स्थापना की जाती है तथा उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखी जाती है जिसके पश्चात शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाए एवं पुष्प तथा ऋतु फल का भोग लगाए तथा शालिग्राम पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए उसके बाद धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य मिठाई नारियल तथा फल आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है अतः भगवान जी की विधिवत पूजन आरती करनी चाहिए प्रसाद के रूप में पंचामृत का समस्त श्रद्धालुओं में वितरण करना चाहिए इस दिन सफेद चंदन या गोपी चंदन मस्तक पर लगाकर पूजन करना चाहिए व्रत के दिन अन्न वर्जित है अतः निराहार रहें तथा संध्या काल में पूजा के पश्चात चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं फल तथा दूध खाकर एवं संपूर्ण दिवस चावल तथा अन्य अनाज ना खाकर आंशिक व्रत रखा जा सकता है यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए तथा इस दिन आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का अधिक महत्व है इसीलिए संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है इस दिन मोक्षता एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी या सुनानी चाहिए व्रत के अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि पर स्वेरा होने पर पुनः स्नान करने के पश्चात श्री विष्णु भगवान की पूजा तथा आरती करनी चाहिए उसके बाद सही मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए साथ ही ब्राह्मण भोज करवाने के पश्चात उन्हें अन्न का दान तथा यथा संभव सोना तिल भूमि गौ फल छाता या धोती दक्षिणा के रूप में देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए तथा उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित करने के पश्चात स्वयं मौन रहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए मोक्षता एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण न किया जाए एकादशी व्रत के अगले दिवस मतलब अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है ध्यान रहे एकादशी व्रत का पारण पारण मतलब कि आपने जो व्रत खोला है हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। पारण कभी भी हरिवासर के दौरान ना करें यदि आप कुछ कारणों से शुभ मुहूर्त या प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं हैं, तो मध्यान्ह के पश्चात पारण करना चाहिए आइए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं मोक्षता एकादशी व्रत की पौराणिक कथा था पदम पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से पुण्यकारी मोक्षता एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षता एकादशी की कथा सुनाई थी श्री कृष्ण ने बताया कि एक समय की बात है प्राचीन गोकुल नगर में वैखनस नामक एक प्रतापी राजा राज्य किया करते थे वे अत्यंत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे राज्य की प्रजा भी सुख पूर्वक रहती थी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रहता था एक दिन जब राजा वैखनस अपने शयन कक्ष में निंद्रा लीन थे उस समय उन्होंने एक विचित्र सा स्वप्न देखा जिसमें वे देख रहे थे कि उनके स्वर्गवासी पिता श्री नर्क में कष्टों की पीड़ा भोग रहे हैं अपने पिता को ऐसे कष्टों में देखकर राजा अति व्याकुल हो गए तथा उनकी निद्रा तुरंत ही भंग हो गई उसी समय उनकी निद्रा खुल गई अपने पिता को नर्क में इस प्रकार दुखी देख राजा को भी बहुत दुख हुआ अपने स्वपन के विषय में सारी रात राजा विचार करते रहे किंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था राजा के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे अतः उन्होंने प्रातः काल ही ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजकर दरबार में बुलवा लिया ब्राह्मणों के आने पर राजा ने उन्हें अपने स्वपन से सविस्तार अवगत करवाया राजा ने बताया कि सपने में पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ यहाँ से तुम मुझे, मुझे मुक्त कराओ हे विद्वान पंडितों, हे विद्वान ब्राह्मणों जब से मैंने यह वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ मेरा मन भी बड़ा अशांत हो रहा है मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है राजा ने कहा हे विद्वान ब्राह्मणों मैं क्या करूं? हे ब्राह्मण देवताओं इस, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर बहुत जल रहा है अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल सके, मुक्ति मिल जाए वह इस नरक से मुक्त हो जाए उस पुत्र का जीवन तो व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता, पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते ब्राह्मणों को राजा के स्वप्न से यह प्रतीत हुआ कि उनके पिता श्री को मृत्यु के पश्चात कष्ट भोगने पड़ रहे हैं इसीलिए इनसे वे कैसे मुक्त हो सकते हैं इस बारे में ब्राह्मणों ने राजा वैखनस को एक सुझाव दिया कि आपकी इस, इस समस्या का संपूर्ण समाधान केवल पर्वत, पर्वत नामक, नामक मुनि कर सकते हैं। हैं। भविष्य के ज्ञाता तथा अत्यंत ज्ञानी ऋषि अतः आप उनके पास जाकर, जाकर इसका उपाय, उपाय जान लीजिए अतः राजा वैखनस अपनी शंका को लेकर पर्वत मुनि के आश्रम में पहुँच गए तथा उन्हें प्रणाम करके स्वपन की सारी बात बताई मुनि ने राजा के स्वपन की बात ध्यान पूर्वक सुने तथा अपनी आंखें बंद करके योग दृष्टि से राजा के पिता श्री को देखा वे नर्क में पीड़ाओं को भोग रहे थे उन्हें इसका कारण भी ज्ञात हो गया इसीलिए मुनिवर ने राजा से कहा कि हे राजन आपके पिता को अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों का दंड सहन करना पड़ रहा है उन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक बुरा कर्म किया था उन्होंने एक सुतेली स्त्री के वश में होकर अन्य स्त्री को सम्मान नहीं दिया था यह सुनकर राजा ने अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की तथा मुनि से पूछा कि हे मुनिवर मेरे पिता को इस कष्ट से कैसे मुक्त किया जा सकता है राजा की विनती पर पर्वत मुनि ने उनसे कहा कि हे राजन यदि आप मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करें तथा उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दें तो उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा इसीलिए राजा ने यह सुनकर ऐसा ही किया तथा राजा ने अपने परिवार सहित संपूर्ण विधि पूर्वक मोक्षता एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया व्रत के पारण के पश्चात राजा ने आकाश की ओर प्रत्यक्ष देखा कि उसके पिता श्री वैकुंठ में जा रहे हैं तथा उन्होंने कहा कि हे पुत्र मैं कुछ समय स्वर्ग का सुख भोग मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा यह सब तुम्हारे व्रत से संभव हुआ है तुमने नरक के जीवन से मुझे मुक्त कर सच्चे अर्थों में पुत्र होने का धर्म निभाया है तुम्हारा कल्याण हो पुत्र राजा वैखानस द्वारा एकादशी का व्रत रखने से उसके पिता के पापों का श्रेय हो तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई इसी कारण यह एकादशी को मोक्षता एकादशी कहा गया है मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षता एकादशी का जो भी व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है मोक्षता एकादशी का संबंध महाभारत से जुड़ा है पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्च शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता 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 का गीता का गीता का सार समझाया था, ज्ञान, उपदेश दिया था इसीलिए आज, आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से प्रभु बिन आर आस करूँ जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा के स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर प्रभु सब के प्राण किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर में द्वार पडा तेरे ओम जय जगदीश हरे विश्य विकार मिटाओ पाप हरो देवा संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझ अर्पण तेरा तुझ कोरपण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे।, हरे प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय माता पार्वती की जय भोलेनाथ की जय सभी देवी देवताओं की जय उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी आपका मंगल हो